बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ब फॉर्म्स में एडवांस लेवल हम पढ़ रहे हैं, तो आज हम जो वर्ड मैंने सेलेक्ट किए हैं आज के लिए, वो एक तो है जी बस्ट। बस्ट का मतलब होता है जी एक्सप्लोड होना जी। दूसरा जी बस्ट, बस्ट का मतलब होता है जी किसी चीज़ को एक्सपोज कर देना, बस्ट, ठीक है जी, एक्सपोज कर देना। इसी तरीके से कॉस्ट, कीमत होने को कहते हैं। स्प्रेड, बाइट, बीट, ये वर्ड जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पे अगर हम देखें तो बस्ट की ज़रा आप बता सकते हैं कि इसकी वर्ब फॉर्म्स कौन सी होती हैं। तो ये होती है जी बस्ट, बस्ट। इसमें ईडी, ईडी बस्टेड, बस्टेड नहीं होता जी। जबकि इसकी जो वर्ब फॉर्म्स हैं वो बस्ट, बस्टेड, बस्टेड इस तरह यूज़ होती हैं। अब इसको देख के यहाँ पे बस्टेड बच्चे कर देते हैं, या बाद अवकात जो है ऐसा सेंटेंस दे दिया जाता है कि उसमें जो है इसकी भी सेकंड फॉर्म बना के दे दी जाती है बिल्कुल इसी की बेस पे, तो वो इसके कन्फ्यूजन में इसको भी जाके गलत कर देते हैं। मिसाल के तौर पर द टायर बस्ट ऑन द रोड या बस्टेड ऑन द रोड, तो बस्ट ऑन द रोड होगा कि टायर जो है वो सड़क पर फट गया, गाड़ी चल रही थी टायर फट गया, ठीक है। ही बस्टेड द एनिमी, उसने एनिमी को एक्सपोज कर दिया, तो बस्टेड आएगा। बस्ट यहाँ पे ये जो है जिसका मतलब एक्सप्लोड करना है, उसकी सेकंड फॉर्म में ईडी नहीं आएगा, ये बात ध्यान में रखें। अगली तरफ आ जाए तो कॉस्ट, कॉस्टेड, कॉस्टेड नहीं होता, कॉस्ट, कॉस्ट, कॉस्ट होता जी, कॉस्टेड नहीं होगा। इसकी फॉर्म तीनों एक जैसी होती हैं। इसी तरीके से इसी पैटर्न पे स्प्रेड, स्प्रेड होता है, स्प्रेड, स्प्रेडिड, स्प्रेडिड नहीं होता। ये भी दूसरी कन्फ्यूजन है, इसको भी ठीक कर लेना है। अच्छा जी, अब आखिरी जो दो वर्ड हैं वो हाईली कन्फ्यूजिंग है। उसमें ये होता है कि बाइट का मतलब होता है जी काटना, बाइट, सेकंड फॉर्म इसकी होती है जी बिट, ये लें, और तीसरी होती है जी बिटन, बी आई डबल टी ई एन, ये बिटन है जी, बाइट, बिट, बिटन, ठीक हो गया। लेकिन बीट की जो फॉर्म होती हैं वो बीट, सेकंड फॉर्म को लिखते बीट है, पढ़ते बिट है, और तीसरी जो है वो बीटन है, वो इस तरह यूज़ होती है, बाइट, बिट, बीटन। अब होता यह है कि जब इनकी साउंड चूँकि आपस में मिलती है बिट और बिट, तो आम तौर पर जो है इसकी सेकंड फॉर्म के तौर पर इन दोनों को आपस में टायर डाल के वहाँ लिख दिया जाता है, और आपसे पूछा जाता है कि आप इन दोनों में से कौन सी आएगी। तो जिसको फॉर्म्स अच्छे तरीके से याद है वो कहेगा जी बीट की सेकंड फॉर्म जो है वो पढ़ी बिट ज़रूर जाती है, लेकिन उसके स्पेलिंग बीट वाले होते हैं, और जबकि बाइट की सेकंड फॉर्म बी आई टी बिट होती है। तो लेकिन जब जिनको ये जो है कन्फर्म ना हो, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन एरिया क्रिएट करके यहाँ से एरर एक बना दिया जाता है जिसके तौर पर, जिसको बच्चे आमतौर पर गलत कर देते हैं। तो लिहाजा इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से जेहन में रख लेना है। थैंक यू।